देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो कैमरा है 360 डिग्री बिल्कुल घूम रहा है। एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जैसे कि दोस्तों मेरा हाथ में जो है सीपी प्लस का वाईफाई कैमरा, जो आप लोग अपने घर में हो या अपने ऑफिस पे है, अपने शॉप पे आप लोग सेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका कैमरा का जो फोटो है या वीडियो है, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, फुल HD कैमरा है। तो इसको हम आज फुल अनबॉक्सिंग करते करते आप लोगों को फुल रिव्यू भी करके दिखाने वाला हूँ। एंड दोस्तों, आप लोग मोबाइल में कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के साथ साथ आप लोगों को इसका मोबाइल के अंदर आप लोग कैसे सेट करेंगे वो भी आप लोगों को दिखाते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, हमारा जो कैमरा है, सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। इसका सील को हम लोग अभी अनसील करेंगे, जैसे कि ब्लेड से हम कर चुके हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या निकलते हैं वो देखते हैं। पैकेट जो है काफ़ी हैवी पैकेट है। ये जो है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेड इन इंडिया है। ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल इंडिया का प्रोडक्ट है, बाहर चाइना वाइना वगैरह का नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले क्या निकलते हैं देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुझे लगता है इसमें जो है कैमरा है, तो इसको हम अनबॉक्स इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो कैमरा है, जो वाईफाई कैमरा है, ये जो है 360 जो डिग्री है वो आप लोगों को घूमने वाला है। ऑटोमेटिक आप लोग मोबाइल से इसको सेटअप कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो है, यह इसका स्टैंड है, कैमरा का स्टैंड है। आप लोग इसको माउंट कर सकते हैं, वॉल माउंटिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग करेंगे। इसको साइड में रखते हैं। एंड दोस्तों, इस पैकेट के अंदर से और क्या क्या निकालते हैं वो देखते हैं। पैकेट जो है हमने गलत साइड खोल ली। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक मैनुअल दिया हुआ है। ये जो मैनुअल है इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग कैसे आप लोग अपने मोबाइल में सेट करने वाला है, जो मैं खुद आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या निकालते हैं पैकेट से देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है एडोप्टर है, क्योंकि दोस्तों ये जो कैमरा है एडोप्टर के एडोप्टर से चलती है। ये जो है आप लोगों को माउंटिंग के लिए काम आएगा, जो जो आप लोग मोबाइल इस मोबाइल मतलब ये जो कैमरा है इसको वॉल में माउंट करने के लिए आपको काम आएगा। तो इसको साइड में रखते हैं। एंड दोस्तों, इसमें एक डेटा केबल मतलब चार्जर केबल जो है वो केबल दिया हुआ है। ये जो केबल है काफ़ी बड़ा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लगभग 3 से 4 मीटर का केबल दिया है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो केबल है आप लोगों का काफ़ी बड़ा केबल है, 3 से 4 मीटर का केबल आप लोगों को दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें एक एडोप्टर है, जिसके मदद से आप लोग इस कैमरा को जो है पावर आप लोगों को देना पड़ती है। तो सबसे पहले ये जो कैमरा है इसको सेट करने के लिए आप लोगों को कैमरा को सबसे पहले पावर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले पावर दे देता हूँ। ये जो है अभी आप लोग अपना बोर्ड में प्लग में आप लोग लगा देना है। एंड दोस्तों, जो कैमरा का पीछे ये रहा, इस साइड में आप लोगों को कैमरा का यहाँ पर आप लोगों को लगाना पड़ेगा चार्जर को। उसके बाद दोस्तों कैमरा में पावर आएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी जो है मैं बोर्ड से हमारा कैमरा को ऑन मतलब पावर दे चुके हूँ, अभी हमारा कैमरा ऑन होगा। देख सकते दोस्तों, ऑटोमेटिक घूम रहा है। अभी जो है हमारा कैमरा वाईफाई मांग रही है, मतलब ये जो कैमरा है वाईफाई कैमरा है। आप लोगों को वाईफाई से अपना वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप लोग अपने मोबाइल के अंदर देख सकते हैं। तो इस सामने जो है कैमरा का एक स्टेप होता है, इसको आप लोग रिमूव कर दीजिए। अभी अपना मोबाइल फोन के अंदर एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा इसको कनेक्ट करने के लिए। ये जो देख सकते हो दोस्तों, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है मैनुअल के ऊपर, ये वाला जो ऐप है आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल को अनलॉक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में चला जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर उस ऐप को आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, उस ऐप को जो ऐप यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, EZYKAM+। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं EZYKAM, मतलब ऑटोमेटिक आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे ऑटोमेटिक चलाएगा। ये वाला जो ऐप है इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं।
अपने मोबाइल फोन के अंदर आप लोग सबसे पहले ये वाला जो ऐप है इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ये जो कैमरा है आप लोगों को, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद बात आप लोगों को सेटअप करना पड़ता है। अपना जो वाईफाई है इस कैमरा के साथ आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप लोग अपने मोबाइल फोन से इस कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। फुल एकदम 360 डिग्री आप लोग घुमा सकते हैं अपने मोबाइल फोन से ही। तो जब तक ये जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो रहा है तब तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगे, और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो है अभी जो है हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो पॉलिसी है इसको आप लोगों को एग्री करना पड़ेगा। तो एग्री पर एक बार टच कर देते हैं। एग्री पर टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर का जो मांग रहा है जो आप लोगों को साइन अप करना पड़ता है, तो साइन अप आप लोग सबसे पहले साइन अप कीजिए। साइन अप में एक बार टच कीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देते हैं। तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वहाँ पर ईमेल एड्रेस देने के बाद दोस्तों एक वेरिफिकेशन कोड आएगा मेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे एक बार हम यहाँ पर एक बार टच कर देंगे गेट ईमेल एड्रेस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को वेरिफिकेशन जो कोड है उसको देना पड़ता है जो आप लोगों को मेल में आएगा। तो हम देख लेते हैं हमारा जो मेल है यहाँ पर मेल में आएगा जो वेरिफिकेशन कोड है, तो इसका हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद हम सिंपली कहाँ जाएंगे, मेल में चला जाएंगे जहाँ पर हम लोगों का वेरिफिकेशन कोड आएगा। ईमेल एड्रेस ही इसलिए तो ना, तो देख सकते हैं दोस्तों सबसे ऊपर एक मेल आ चुकी है हमारा सीपी प्लस का कैमरा से। तो यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये वाला जो वेरिफिकेशन कोड है 952329 952329। तो इसको हम सिंपली वेरिफिकेशन कोड में दे देंगे 952329, तो 952329 वेरिफिकेशन देने के बाद दोस्तों देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर फिर से आप लोगों को एक पासवर्ड देना पड़ता है। मतलब आप लोगों का कोई भी पासवर्ड हो आप लोग दे सकते हैं, पासवर्ड को कनेक्ट करना पड़ती है मोबाइल से। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है आप लोगों को लॉगिन जब करेंगे ये जो पासवर्ड है एंड दोस्तों आपको मेल एड्रेस दे के लॉगिन करना पड़ेगा। तो सिंपली हम एक पासवर्ड दे देंगे, तो आप लोग पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद आप लोग डन में एक बार टच कर देंगे। तो पासवर्ड देना हो चुकी है हमारा, तो अभी डन में एक बार टच कर देते हैं। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं नीचे जो लिखा आया है गो टू ऐप। गो टू ऐप में आप लोगों को एक बार टच करना पड़ेगा। तो गो टू ऐप में एक बार हम टच कर देते हैं। टच करने के बाद दोस्तों इसको हम लोग सेव कर देंगे, जो पासवर्ड और मेल एड्रेस है ऑटो सेव हो जाएगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों इसको अलाउ में एक बार टच करना पड़ेगा, जो अलाउ है जो नोटिफिकेशन है इसको अलाउ करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो ऐप का परमिशन है नोटिफिकेशन, तो इसको आप लोग सेटिंग में एक बार टच करेंगे। टच करने के बाद दोस्तों परमिशन अलाउ है, परमिशन अलाउ करके आप लोग सिंपली बैक कर देंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऐप है, इस ऐप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लस आइकॉन दिया हुआ है। तो प्लस आइकॉन में एक बार सिंपली एक बार टच करेंगे, प्लस आइकॉन में एक बार टच कर देते हैं। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितना सीपी प्लस का जितने भी वाईफाई कैमरा है सभी का मॉडल आ जाती है। इस कैमरा का जो मॉडल है आप लोगों को पीछे देखने में मिल जाएगा, यहाँ पर पीछे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका मॉडल है सीपी E24A। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो मॉडल है इस मॉडल को आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। अपना जो कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जाएगा जो है, दोस्तों देख सकते हैं ये वाला CPE4A में हम लोग एक बार टच करेंगे। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में एक बार आप लोग यहाँ पर टच करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों आप लोग नेक्स्ट पर एक बार टच कर देंगे। नेक्स्ट पर टच करने के बाद दोस्तों अपना जो मोबाइल है, मोबाइल में आप लोगों को जो वाईफाई कनेक्ट है देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो वाईफाई आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले वाईफाई जो कनेक्ट है वही वाईफाई का इस कैमरा में कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली हमारा जो वाईफाई है इसमें हम लोग मोबाइल से कनेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों वाईफाई का जो नेम है, जिस वाईफाई को आप लोग कनेक्ट की है अपने मोबाइल के अंदर वही आप लोगों का नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हम लोग जो वाईफाई कनेक्ट की है उसका जो नाम है लैपटॉप बाजार, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे सभी लैपटॉप बाजार, LAP लैपटॉप बाजार BAZAR लैपटॉप बाजार वाईफाई नेम एंड दोस्तों पासवर्ड, जो पासवर्ड है वाईफाई का वो भी आप लोगों को देना पड़ेगा। जो वाईफाई अपना मोबाइल फोन में कनेक्ट है उसका ही नेम एंड दोस्तों उसका ही पासवर्ड आप लोगों को देना पड़ेगा। तो हम लोग इसका पासवर्ड दे देते हैं।
दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि कोई भी स्पेलिंग का अगर गलती होता है पासवर्ड या नेम में, वाईफाई नेम में, जब अगर आप लोग गलती करते हैं तो उसका आप लोगों को नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग देने के बाद नेक्स्ट पर एक बार टच करेंगे, उसके बाद दोस्तों एक क्यूआर कोड दिखाएगा। ये जो क्यूआर कोड है आप लोगों को कैमरा का जो सामने है यहाँ पर मोबाइल को रखना पड़ेगा। इस क्यूआर कोड का आप लोगों को कैमरा से कनेक्ट करना पड़ेगा बिल्कुल इस तरह से, जो जैसे मैं आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल इस तरह से आप लोगों को वाईफाई जो स्कैनर है मोबाइल का स्कैनर इसको कैमरा के साथ स्कैन करना है। तो वाईफाई कनेक्शन है, मोबाइल में एक अलर्ट आएगा जो वाईफाई कनेक्शन जो मोबाइल में खुद बोलेगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो है बिल्कुल डन हो चुकी है, डन लिखा आ चुकी है। तो डन में एक बार टच करेंगे एंड दोस्तों हमारा जो है कैमरा बिल्कुल अभी लाइव हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन दिखा रहा है, मतलब हमारा जो कैमरा है ये जो कैमरा है बिल्कुल अभी मोबाइल के साथ सेट हो चुकी है। तो इसको ऑनलाइन में एक बार टच कर देते हैं एंड दोस्तों इसका जो पिक्चर क्वालिटी है मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो देख सकते दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है इसका अपडेट मांग रही है। तो सिंपली अगर आप लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिएगा। देख सकते दोस्तों पिक्चर भी आ चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यदि सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर को अपडेट ना पे एक बार टच कर देंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट नाउ पे एक बार टच करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑटो अपडेट में एक बार टच करके कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है अपडेट अपडेट स्टार्ट पर एक बार क्लिक करेंगे स्टार्ट अपडेट, तब जो है हमारा जो कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है वो अभी अपडेट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट होती है तब तक अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पर जो भी नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे तो दोस्तों आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो है अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग सेकंड टाइम इंस्टॉल करेंगे तो उसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम में ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद दोस्तों इसका जो पिक्चर क्वालिटी है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो कैमरा है बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल से आप लोग इसको घुमा सकते हैं, इसका जो ऑडियो है ऑडियो आप लोग सुन सकते हैं। या दोस्तों आप लोग कहीं भी रहिए आप लोग बाहर से भी बोल सकते हैं। जो है कैमरा का जो यहाँ पर माइक लगा हुआ है देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर माइक है मतलब स्पीकर है। अगर आप लोग मोबाइल फोन में कुछ भी कहते हैं तो दोस्तों यहाँ से सुनाई देता है। अगर आप लोग बाहर से कुछ भी बोलेंगे तो दोस्तों यहाँ से आप लोग आपका वॉइस जो है सुनाई देगा जहाँ पर भी आप लोग कैमरा सेट करेंगे। अभी जो है हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेट हो चुकी है दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग फोटो जो भी इसका जो पिक्चर है अभी देख सकते हैं। तो अभी इसको हम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो कैमरा है कैमरा को बिल्कुल इस यहाँ पर हम लोग बैठा चुके हैं। अभी हम मोबाइल से आप लोगों को कंट्रोल करके दिखाते हैं। जैसे दोस्तों ये जो है फुल स्क्रीन हो जाता है तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो पीटीजेड मोड है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीटीजेड मोड, यहाँ से हम लोग कैमरा को घुमा सकते हैं। देख सकते हो दोस्तों हमारा जो कैमरा है अभी चारों तरफ घूमेगा, आप लोग खुद देख सकते हैं लाइव। देख सकते हो दोस्तों हमारा जो कैमरा है 360 डिग्री बिल्कुल घूम रहा है। हम लोग जिस साइड चाहे उस साइड देख सकते हैं दोस्तों, कैमरा को ऊपर नीच कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं। इसका जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी, फुल एचडी पिक्चर क्वालिटी दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों फुल एचडी पिक्चर क्वालिटी आप लोगों को दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड दोस्तों इस कैमरा के बारे में अगर आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कॉमेंट कीजिए, हम कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। एंड दोस्तों इसमें आप लोग चीज भी लगा सकते हैं, चीज लगाने के लिए दोस्तों कैमरा का इस साइड में देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को माइक्रो एचडी कार्ड आप लोग लगा सकते हैं जो 128 जीबी का आप लोग लगा सकते हैं माइक्रो एचडी कार्ड। वीडियो बस यही तक था दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप लोगों को इंस्टॉलिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कॉमेंट कीजिए, हम कॉमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। एंड इसका पिक्चर क्वालिटी आप लोग खुद देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। और दोस्तों इससे आप लोग वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सुन सकते हैं हेलो हेलो, देख सकते दोस्तों हेलो हेलो, यहाँ पर ऑडियो भी आप लोग सुन सकते हैं। दोस्तों आप लोग बोल भी सकते हैं, जैसे दोस्तों मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, बोल के दिखाता हूँ हेलो। तो थैंक यू फॉर फुल वाचिंग, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कर देना। थैंक यू।